हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फुल डे रूटीन, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अपने हाउस होल्ड वर्क के साथ प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज कर रही हूँ। मेनली हमारे साथ क्या होता है कि हम प्री की प्रिपरेशन करते रहते हैं, मेंस को बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाते, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि हमारा पूरा दिन प्री में ही निकल जाता है। तो आज इसलिए मैं अपना शेड्यूल आपके साथ शेयर करूंगी एंड श्योरली आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिससे आप अपनी रूटीन को और बेहतर कर पाएंगे। होपफुली आपको कुछ न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज मैं 6 बजे उठी थी एंड उठते ही मैंने ब्रश किया, गर्म पानी पिया, उसके बाद अपना रूटीन वर्क किया, अपने रूम की साफ़ सफाई की। ये सब करने में मुझे 7 बज गए। उसके बाद मैंने 30 मिनट्स तक टेबल्स और वो कैब रिवाइज़ की। डेली मैं मॉर्निंग में सबसे पहले इनको रिवाइज़ करती हूँ एंड आप सब भी अपने रूटीन में इसको ऐड करें। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। आज मैं ब्रेकफास्ट में उपमा बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपनी आज की टू डू लिस्ट बनाई। मेरी टू डू लिस्ट में प्री और मेंस दोनों को मैनेज करके चलूंगी। लंच तक का शेड्यूल मैंने प्रीलिम के लिए रखा है एंड लंच के बाद मेंस के लिए करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीलिम के मॉक से। आज मैं आरबीआई असिस्टेंट का मॉक दे रही हूँ। फिलहाल मैं 2022 की आरबीआई असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अभी इस टाइम में हम रेगुलर मॉक्स देते हैं तो हमारी 2023 की टेस्ट सीरीज यूज हो जाएगी, तो हम एग्ज़ाम टाइम में कौन से मॉक देंगे। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप 2022 के सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज से प्रीलिम के मॉक लगा सकते हो एंड ये मॉक्स इतने अवेलेबल हैं कि आप डेली अटेम्प्ट करते हो तो भी 3 मंथ्स तक दे पाओगे। मेरा मॉक्स ओवर हो चुका है एंड आप कमेंट्स में मेरा स्कोर पूछ रहे थे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे इस मॉक में 87 मार्क्स आए हैं एंड मैंने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मेरा सिर्फ एक गलत हुआ है। इसमें मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही क्योंकि ये आरबीआई असिस्टेंट का मॉक था, तो ये आईबीपीएस से कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी रहता है। आप सेक्शन वाइज मेरा स्कोर देख सकते हो। मेरा सिर्फ इंग्लिश में एक क्वेश्चन गलत हुआ है एंड रीजनिंग में मेरी एक पज़ल रह गई थी जो मैंने ऑलमोस्ट बना ली थी, बट टाइम आउट हो गया तो क्वेश्चन टिक नहीं कर पाई। तो अभी मैं वो क्वेश्चन करूँगी जो मेरे रह गए थे। प्रीलिम्स का मॉक देने से प्री के सारे टॉपिक्स की एक साथ प्रैक्टिस हो जाती है एंड स्पीड भी मेंटेन रहती है, और मॉक देने के बाद मेरे जो क्वेश्चन रह जाते हैं उनको मैं उसी टाइम कर लेती हूँ जिससे मेरा एक मॉक कंप्लीट हो जाता है एंड उसके बाद मुझे प्रीलिम्स को अलग से टाइम देने की नीड नहीं है, क्योंकि सिर्फ मॉक से ही मेरे 100 क्वेश्चंस डेली हो रहे हैं। मेरी लिस्ट के 2 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगी। ब्रेक में मैं पपाया खा रही हूँ। मैं 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक बीच बीच में ले लेती हूँ जिससे मुझे थोड़ा फ्रेश फील होता है एंड मैं नेक्स्ट टास्क के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो अब मैं एडिटोरियल रीडिंग करूँगी। एडिटोरियल के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी जो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखें जिससे आपको एडिटोरियल रीडिंग का बेस्ट वे पता चलेगा। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट वोकैब नोट करती हूँ एंड उसके बाद एडिटोरियल रीडिंग करूँगी। ये रीडिंग वाला पार्ट प्री प्लस मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। Thank you.
अब मैं करंट अफेयर्स की क्लास करूँगी। लंच से पहले मेरे पास टाइम बच रहा था तो मैंने करंट अफेयर की क्लास यहीं रखी है। मैंने पिछले साल के मेंस का एनालिसिस किया था एंड इस बार का जो IBPS PO मेंस था वो मैंने दिया था, तो मुझे पता चला कि एग्ज़ाम से 4 मंथ्स पहले के करंट अफेयर्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बट कुछ क्वेश्चन 6 या 7 मंथ बिफोर के भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि फेब एंड मार्च के करंट अफेयर्स के लिए मैं मंथली वीडियो करूँगी एंड उसके बाद के मंथ्स को डेली बेसिस पे अच्छे से करूँगी। तो अब 12:30 हो चुके हैं एंड मैं लंच प्रिपेयर करूँगी। लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया एंड मैं 3 बजे से वापस उठी एंड मैंने सबसे पहले आलस दूर करने के लिए चाय बनाई। दोपहर में लंच करने के बाद आलस इतना आता है तो मेरे लिए बिना चाय के पढ़ पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं चाय ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद 3:30 से मैंने अपनी मेंस के लिए क्वांट की क्लास स्टार्ट की है। मैंने कोई भी पेड बैच नहीं ले रखा है, मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन यूट्यूब से जो फ्री सीरीज़ अवेलेबल है वहाँ से करती हूँ। क्वांट के लिए मैं आशीष अरोड़ा सर की लॉजिकल DI की क्लास कर रही हूँ। क्वांट की क्लास करने के बाद अब मैं रीजनिंग की क्लास करूँगी। आप सबका डाउट रहता है कि मैं कंटिन्यूसली कैसे पढ़ पाती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेती रहती हूँ जिसमें मैं पानी पी लेती हूँ और थोड़ा सा बालकनी में वॉक कर लेती हूँ। मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मेरा ब्रेक इतना लंबा ना हो जाए कि मेरा शेड्यूल हार्म हो। रीजनिंग के लिए मैं पुनीत सर की क्लास कर रही हूँ। पुनीत सर की यूट्यूब पर मेंस के लिए बहुत सारी सीरीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। अगर आपके पास भी मेरी तरह कोई पेड बैच नहीं है तो आप यूट्यूब से भी मेंस की क्लासेस कर सकते हो। अभी 6:30 हो चुके हैं एंड अभी मेरा वॉक का टाइम है, इसलिए मैंने अपने शूज़ पहन लिए हैं और चलते हैं वॉक पे। हमें पढ़ाई के साथ साथ खुद को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सारे दिन बैठ के पढ़ने से हमारी बॉडी जकड़ जाती है, तो हमें डेली कुछ टाइम अपनी हेल्थ के लिए भी निकालना चाहिए। एंड बिलीव मी गाइस, इससे हमें बहुत फ्रेश फील होता है एंड हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मुझे तो एक्सरसाइज करने के बाद बहुत लाइट फील होता है एंड पूरे दिन की थकान भी दूर हो जाती है। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया एंड उसके बाद अब टाइम हो चुका है डिनर का, तो अब मैं खाना बनाऊंगी। डिनर करने के बाद अब मैं मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। मैंने मेंस के मेमोरी बेस्ड मॉक दिए थे जिनके क्वेश्चंस मैं अब प्रैक्टिस कर रही हूँ। इससे मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं। मेंस के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि ये टोटली कॉन्सेप्चुअल एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ये मेरा आज का लास्ट टास्क है, ये कम्प्लीट होते ही मैं सो जाऊँगी। सो दैट्स ऑल गाइस, मैंने आज आपको अपना प्री एंड मेंस दोनों का शेड्यूल बताया है। होपफुली आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।